फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सोनिया अखाना दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसा ब्रेकफास्ट सिखाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी है, ओट्स पराठा। ओट्स हमारे वेट को कम करने में स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलो हम बनाते हैं ओट्स पराठा। ओट्स पराठा बनाने के लिए चाहिए हमें एक कप ओट्स, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, आटा जो मैंने पहले ही गूंद कर रख लिया है, नॉर्मल आटा जो गेहूं का आटा होता है, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, दो मिर्च छोटी कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सौंफ पाउडर। ओट्स का मिक्सचर बनाने के लिए हम सबसे पहले ओट्स को बाउल में डालेंगे, प्याज डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च, जैसा आपको तीखा पसंद है तीखा डालोगे, अगर आपको कम पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, सौंफ का पाउडर है यहाँ पे ना, गरम मसाला। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से हम मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छे से सॉफ्ट कर देंगे। ज्यादा एकदम पानी नहीं डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे ओट्स का कितना अच्छा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे छोटी छोटी बॉल बना लेंगे और अपने पराठे की फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने जो ये गूंदा हुआ आटा था, मैंने इसको इस तरीके से ले लिया है, छोटी सी लोई लेंगे और हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बेल कर हम जो ये ओट्स का जो इसके अंदर मिक्सचर था हम इसके अंदर इस तरह से फिल करेंगे। इसके अंदर ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर सारे हमने मसाले डाले हैं और बनकर भी ये बहुत हेल्दी है। हम इसमें पराठे में तेल भी कम यूज करेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से फिल कर दिया हमने इसके अंदर और हम इसको ऐसे अब ऐसे लोई बनाकर देखिए कितनी अच्छी बन गया है और फिल भी हो गया है। अब इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा हम इसको अपने हाथ से ऐसे से करेंगे कि हमारा पूरा मिक्सचर इसके अंदर फैल जाए। देखिए पूरा मिक्सचर इसके अंदर फैल गया है। अब हम इसको धीरे धीरे बेलेंगे। हम इसको बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, क्योंकि मोटा पराठा अच्छा भी नहीं लगता। हम इसको थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। देखिए कितना अच्छा पराठा लग रहा है। बस हम इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे, हम हल्का हल्का सा ऐसे करके बस हमारा पराठा देखिए कितना लजीज लग रहा है और ये बनकर तैयार भी हो गया है।